एकी ठाकुर को जानते हैं जो वृंदावन में रहते हैं। हम तो एकी ठाकुर को जानते हैं जो वृंदावन में रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए कौन किसको क्या करता है। लालू जी के इशारे पे ये सब चीज नहीं होता। 2024 से पहले लगातार जो है सियासी तीर इधर से उधर चलने शुरू हो गए। एक तरफ जहां मनोज झा ने एक कविता पढ़ी थी राज्यसभा में महिला बिल के समय, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। उसको लेकर के यानी 5 दिनों के बाद से उस मुद्दे को लेकर के आरजेडी के अंदर से चेतन आनंद ने जिस तरीके से सवाल खड़े कर दिया, आनंद मोहन ने भी सवाल खड़े कर दिया, उसके बाद से बीजेपी के नेता इसको हाथों हाथ ले लिए और विरोध में उतर गए। पुतला दहन भी आरजेडी का कर रहे हैं। वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इसको समर्थन दे दिया। उन्होंने कहा कि मनोज झा का जो बयान है कहीं ना कहीं किसी को ठेस पहुँचाने वाला नहीं, उन्होंने सिर्फ कविता पढ़ी। उसके बाद से अब बिहार सरकार के मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने साफ साफ कह दिया ठाकुर वाले बयान पर। उन्होंने कहा कि हम तो एक ही ठाकुर को जानते हैं जो वृंदावन में रहते हैं। पहले सुनवाते हैं क्या कुछ करें तेज प्रताप यादव। चाह रहे हैं कि राज्यसभा में मनोज झा ने ठाकुर सबको लेकर कुछ बातें कही हैं, इसको लेकर तो मैं तो देखा नहीं हूँ ना, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बीजेपी लगातार गर्म हो गई है, आप लोगों पर बीजेपी लगातार हमलावर है और कह रही है कि मनोज झा जो भी बोले हैं आप लोगों के इशारे पर बोले हैं। ठाकुरों का अपमान किया है आप लोगों ने। किसका अपमान कौन किया है? हम तो एक ही ठाकुर को जानते हैं जो वृंदावन में रहते हैं। हम तो एक ही ठाकुर को जानते हैं जो कि वृंदावन में है, जिनको ठाकुर जी बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं। हम तो और किसी को नहीं जानते। भाजपा वाले लोग आप पर कटाक्ष कर रहे थे प्रताप जी, राजपूतों के क्या कटाक्ष मेरे पर भाजपा ने किया? कह रहे हैं कि ये लोग हमेशा ऊंच नीच की राजनीति करते हैं। हम बता दें भाजपा में जितने लोग हैं, अच्छा भाजपाइया बिना हम लोग को इन्वॉल्व किए हुए उन लोगों का रोटी नहीं चलता। पेट पेट जो होता है ना, जो खाना खाना जो खाते हैं पेट में, तो हम लोग का उठाता ही है ये लोग सवाल। लेकिन इन भाजपाइयों से कुछ होना जाना है नहीं। देश किस तरीके से बुरा हाल में है और खासकर केंद्र में उनका शासन है, और देख लीजिए कि पूरे हर एक स्टेट में सब लोग, पूरी जो जनता है पूरे तरीके से त्राहिमाम कर रही है इनसे, भाजपाइयों से खासकर। अब क्या बोलता है भाजपा नहीं बोलता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या भाजपा बोलता है नहीं बोलता है। प्रताप जी बीजेपी के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लालू यादव जी के इशारे पर ही ठाकुरों को अपमानित करवाया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए कौन किसको क्या करता है। लालू जी के इशारे पर ये सब चीज़ नहीं होता है। भाजपाइयों क्या करते हैं नहीं करते हैं, सबसे पहले तो भाजपा जो है आरएसएस का, समझिए कि पूरे तरीके से आरएसएस का उपज है, और आरएसएस की उपज जो हुई है वो नाथूराम गोडसे, जो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का जो हत्या की है, तो ये हत्यारों की पार्टी है। हम तो खुलेआम बोलते हैं, मैं किसी से डरता नहीं हूँ कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त। ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच जो विवाद, देखिए ठाकुर और ब्राह्मण के बीच सब इंसान है, हम इंसानियत जो है हर एक लोगों को इंसानियत दिखना चाहिए, और कौन जाति है कौन क्या जाति है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म है, और अपने आप में इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है, इसलिए इंसानियत होना चाहिए सबसे पहले। हम ये जानते हैं नीतीश जी और लालू जी की काफी मुलाकात हो रही है क्या? तो पहले भी मुलाकात होती थी, आपकी मुलाकात नहीं होती, आप लोग की भी तो रोज मुलाकात होती है। ऐसे कोई बात नहीं, कोई खान। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री है तेज प्रताप यादव, काफी धार्मिक प्रवृत्ति के बताए जाते हैं, हमेशा धर्म की बात करते रहते। उन्होंने ठाकुर वाले बयान को लेकर के जिस तरीके से आरजेडी में घमासान मचा साफ साफ कहते हुए नजर आए, हम तो एक ही ठाकुर को जानते हैं जो वृंदावन में रहते हैं। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो लोग जब लोग हम लोग की बात नहीं करेंगे तब तक उन लोगों का रोटी नहीं पचता। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग 2024 में इन लोगों को हम लोग सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।